नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की राजधानी में बस इतने रुपए में ले डबल डेकर क्रूज की सवारी का मजा। बिजली के क्षेत्र में बिहार अव्वल। बस छोड़ने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का आया बड़ा बयान। बजट पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। ऋषभ पंत ने अपनी सेहत को लेकर लिखा इमोशनल पोस्ट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली के क्षेत्र में बिहार अव्वल। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तय किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक यानी कि वर्ष 2012 से 2021 की आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें कि इस आंकड़े के अनुसार विद्युत के क्षेत्र में पिछले एक दशक में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार में राष्ट्रीय औसतन पर 43% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में यह वृद्धि 474% है, जो कि बाकी सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आंकड़े वैज्ञानिक विश्लेषणों के बाद तैयार किए गए हैं और बिहार की इस उपलब्धि को देखकर यह स्पष्ट होता है कि राज्य में 24 गुना 7 विद्युत उपलब्धता के लिए राज्य की विद्युत कंपनियां सतत प्रयासरत है। बजट पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेगी, जो हमारा संविधान और विशेषकर महिलाओं के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि देश के बजट पर पूरे विश्व की नजर है और लोगों को इससे काफी उम्मीद है, लेकिन हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए। भारत का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा को लेकर आज से कंट्रोल रूम शुरू। कल से यानी कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर वार्षिक परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए परीक्षा संबंधी सारी सुविधाओं के लिए बिहार बोर्ड द्वारा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। बता दें कि इतने दिनों तक कंट्रोल रूम के काम करने का समय शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, जिस पर संपर्क करके वे अपनी दिक्कतों को सुलझवा सकते हैं। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार इंटर परीक्षार्थियों की पहचान के लिए एक यूनिक आईडी दिया गया है। इससे फर्जी विद्यार्थियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। बिहार की राजधानी में बस इतने रुपए में ले डबल डेकर क्रूज की सवारी का मजा। अब पटना वासी भी बहुत जल्द ही डबल डेकर क्रूज पर घूमते हुए गंगा की सैर का आनंद उठा सकते हैं। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एमवी कौटिल्य विहार क्रूज को अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण से एनओसी मिलने के बाद इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा 3 फरवरी को किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह क्रूज गांधी घाट से निकलेगी। इस क्रूज पर सैर करने के लिए वयस्क व्यक्ति को 300 रुपए प्रति घंटे का शुल्क देना होगा। वहीं 3 से 6 साल के उम्र के बच्चे को प्रति घंटा 200 रुपए और 6 से 12 वर्ष के बच्चे को 250 रुपए प्रति घंटा शुल्क देना होगा। इस क्रूज का परिचालन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। वहीं आप इस क्रूज में किसी तरह की पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एडवांस बुकिंग करनी होगी और इसमें 2, 3 और 5 घंटे के अनुसार पैसे देने होंगे। बिहार के 8 खिलाड़ी खेलो इंडिया के लिए हुए रवाना। बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन भारत सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया के लिए किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। इसके बाद अब ये सभी 8 खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल है कि उन्हें शुभकामना देने के लिए खेल प्राधिकरण की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया। बता दें कि इन 8 खिलाड़ियों में 4 लड़के और 4 लड़कियां शामिल है और इन सभी का बस एक ही सपना है कि वे मेडल लेकर अपने बिहार का नाम रोशन करे। वही संजय कुमार सिन्हा का कहना है कि संसाधनों की कमी होते हुए भी हमने पूरी तैयारी की है और हम पदक जीतने के लिए तैयार हैं। अयोध्या जा रही सालिग्राम शिला का बिहार में जगह जगह स्वागत। नेपाल से जनकपुर से अयोध्या जा रही सालिग्राम, जिससे अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान श्री राम और सीता की मूर्ति बनाई जाने वाली है, उसका बिहार में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि आज सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह सालिग्राम शिला NH-28 पर पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी के घड़ियारी चक गांव के सामने पेट्रोल पंप के पास पहुंचेगी, जहां उस पत्थर को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और शिला पर पुष्प की वर्षा भी की गई। बता दें कि इन शिलाओं को ट्रक के जरिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। वहीं आज के दिन ही यह शिला ग्राम शिला गोपालगंज पहुंचेगी, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी दर्शन करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के लिए नए चेयरमैन हुए नियुक्त।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि नए चेयरमैन के रूप में देव ज्योति को चुना गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के चेयरमैन के रूप में चुने जाने पर देव ज्योति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि बिहार के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उन पर जो विश्वास दिखाया गया है कि उस विश्वास पर वह खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। राज्य के 10 और प्रमुख शहरों में सीसीटीवी से चौकसी। गृह विभाग के द्वारा प्रस्ताव जारी कर राज्य के 10 और नए प्रमुख शहरों में बेल्ट्रॉन के स्तर से सीसीटीवी से चौकसी बढ़ाने का कार्य करने को कहा गया है। बता दें कि इस लिस्ट में जिन 10 शहरों के नाम शामिल हैं उनमें छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, गया, मुंगेर, बेगूसराय, आरा, बेतिया और बोधगया का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को दी गई है, जो इन शहरों के उन स्थानों को चिन्हित करने का काम करेगी जहां कैमरे लगाने की आवश्यकता है। इनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कैमरों की संख्या, इनकी क्वालिटी, ऊंचाई और दूरी समेत अन्य बातों की भी विस्तृत जानकारी रहेगी। मालूम हो कि इस काम को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष के अंत तक रखा गया है। बिहार आए IDAS के 2 अफसरों को मिली पोस्टिंग। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा बिहार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 2 भारतीय डिफेंस अकाउंट सर्विस यानी कि IDAS के आए अधिकारी को पोस्टिंग दे दी गई है। मालूम हो कि दोनों अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार आए थे और वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे। इन दोनों अधिकारियों का नाम प्रीति तोंगड़िया और आशीष कुमार वर्मा है, जिनमें से प्रीति तोंगड़िया की पोस्टिंग सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग का अपर सचिव के रूप में किया गया है, तो वही आशीष कुमार वर्मा की पोस्टिंग अकेंचन निदेशालय के निदेशक के रूप में की गई है। बता दें कि यह वित्त विभाग के तहत आता है। BSA ने निबंधन रद्द करने का किया विरोध। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि BASA के द्वारा निबंधन बंद करने को लेकर निबंधन विभाग के आदेश को अलोकतांत्रिक तरीके से लिया निर्णय बताते हुए विरोध किया गया है और साथ ही संघ ने इसके खिलाफ उचित कानून फोरम में चुनौती भी दी है। बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिन यानी कि सोमवार को संघ भवन में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्य के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही इस कार्रवाई का एसोसिएशन प्रतिकार करते हुए उचित कानूनी फोरम में विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही बीते दिन बैठक खत्म होने के बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक और अवर सचिव को संघ के अध्यक्ष और महासचिव के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया। पद छोड़ने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का आया बड़ा बयान। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे जेडीयू में लाकर बड़ी इज्जत दी जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मुझे झुंझुना थमा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त नहीं किया गया था। उम्मीदवार के चयन में मेरी भूमिका हो सकती थी, लेकिन वह भी नहीं मिली। मैंने जरूर कई सुझाव दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि गलत हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खंडन कर सकते हैं। अगर हमें राज्यसभा सदस्यता व केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने में समय नहीं लगा तो MLC या संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद को छोड़ना कौन सी बड़ी चीज है। मुख्यमंत्री हमसे यह पद वापस ले सकते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर किया प्रहार। बीजेपी की ओर से पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री को अपने घेरे में लेते हुए कहा कि आज लालू प्रसाद यादव की जो हालत है उसके जिम्मेदार बस नीतीश कुमार है। उन्हीं के इशारे पर ही शिवानंद तिवारी और ललन सिंह अदालत या जांच एजेंसी को चारा घोटाला और बेनामी संपत्ति जैसे मामलों के सबूत एवं कागजात उपलब्ध करवाए गए। आज भले ये तीनों लोग लालू प्रसाद के हितैषी बन रहे हो, लेकिन उन्हें सजा दिलाने में भी इन्हीं का हाथ है। नीतीश कुमार बार बार भाजपा की शरण में आते हैं और पलटी मारते हैं, लेकिन अब बीजेपी में भी उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस अल्पसंख्यक वोट को हमारा वोट कह रहे हैं वह कहां था जब विधानसभा की मात्र 7 सीटें और संसदीय चुनाव में केवल 2 सीटें मिली थी। ऋषभ पंत ने अपनी सेहत को लेकर लिखा इमोशनल पोस्ट। BCCI के एक सीनियर अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। मेडिकल टीम ने यह जानकारी दी है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। वहीं ऋषभ पंत ने भी अपनी सेहत को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए दुआ करने के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरी तेजी से रिकवरी हो रही है। आप सभी को पता है कि मेरी सर्जरी सफल रही है और मैं तेजी से रिकवरी हो रहा हूं। आपके सभी के प्यार से मुझे बुरे वक्त में ताकत मिली है। सभी को धन्यवाद।
जेडीयू ने नागालैंड चुनाव के लिए शुरू किया प्रचार प्रसार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा 29 और 30 जनवरी को नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान वे दीमापुर और वोखा सहित कई इलाकों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और साथ ही कुछ उम्मीदवारों की भी घोषणा की गई। बता दें कि ललन सिंह ने नागालैंड चुनाव को लेकर यह दावा किया है कि इस चुनाव में जेडीयू काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी और नागालैंड की अगली सरकार का गठन जेडीयू के बिना संभव नहीं होगा। मालूम हो इस सभा में ललन सिंह के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा, राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे और लोगों को संबोधित किया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुसरत बनो, अनवर करीम खान, जीवनाथ मंडल, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, प्रिंस कुमार मैश, रविशंकर, राम नरेश कुमार, विकास शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विनीता शर्मा, रवि कुमार राम, कविता कुमारी, शंकर मुखिया, अहमद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के हालिया बयान को देखते हुए जदयू को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।